पहला भावनगर में एक व्यापारी ने लाश मिली आवी हती। टीपड़ा माथी लाश मिली आवता अनेक सवाल उभा थया छे। व्यापारी ने लाश तेनी ज दुकान माथी मिली आवता व्यापारी नो अकस्माते मौत थयु होय तेवू परिवार मानी रह्यो छे, परंतु तपास करती पोलीस ने पूरा मामले बीजी कोई शंका छे। व्यापारी ना परिवार ने पूछपरछ करी मौत मामले गुनो नोंधी ने तपास तेज करी छे। शुं थयु व्यापारी साथे, हत्या के आत्महत्या, आवु जोईए। करियाणाना व्यापारी गुम, दुकानमांथी लाश मळी, टीपड़ामांथी मृतदेह मळ्यो। भावनगर शहरना स्टेशन रोड पर करियाणा दुकान धरावता एक वृद्ध बे दिवसथी गुम हता। रविवारे बपोरे आ वृद्धनी लाश तेमनी ज करियाणानी दुकानमांथी एक टीपड़ानी अंदरथी मळी आवता चकचार मची जवा पामी छे। वृद्धे आपघात कर्यो के तेमने टीपड़ामां पूरीने मारी नाख्या, ते दिशामां पोलीसे तपास हाथ धरी छे। आज रोज भावनगरना गंगाजळिया पोलीस स्टेशन विस्तारना स्टेशन रोड पासेथी बपोरे बे वाग्या आसपास एक डेड बॉडी जे मरण जनर आरिफ भाई नूर मोहम्मद लाखाणी जेमनी उम्र वर्ष 65 छे एमना घरमांथी शंकास्पद हालतमां मळी आवी छे। व्यक्ति गई काल सवारथी गुम हता, जे बाबतनी गुमनी फरियाद पण पोलीस स्टेशनमां दाखल थई छे। हत्या के आत्महत्या। भावनगर शहरना स्टेशन रोड पर आवेल एक स्थल अने दुकान धरावनार एक वृद्धनी लाश तेमनी दुकानमांथी मळी आवता चकचार मची जवा पामी हती। आरिफ नूर मोहम्मद लाखणी नामना 65 वर्षना अवृद्ध बे दिवसथी गुम होवानी फरियाद तेमना ज परिवारे नोंधावी हती अने बादमां तेमनी लाश मळी आवी छे। आ वृद्ध आरिफभाई करियाणानी दुकान धरावे छे अने दुकाननी ऊपर ज तेमनुं मकान आवेलुं छे। आ वृद्ध गुम थया बाद तेमनी दुकान पण बंध हती। आ विस्तारमां रहेता लोकोने दुकान नजीकथी दुर्गंध आवता लोकोए पोलीसने जाण करी हती अने पोलीसे दुकान खोलता तेमां रहेला एक टीपमांथी आ वृद्धनी लाश मळी आवी। पोलीसे आ टीपने चीरीने वृद्धनी लाश काढवी पड़ी हती। आ वृद्ध दुकाननी ऊपर आवेला मकानमां पति पत्नी रहेता हता अने तेमनो पुत्र अलग रहे छे अने पुत्रीओना लग्न थई चुक्या छे, તેઓ સાસરે છે। અહીં સવાલે છે કે ગુમ થયાની ફરિયાદ બાદ લાશ પોતાની દુકાનમાંથી મળી આવતા પોલીસે કારણ શોધવા તપાસ હાથ ધરી છે। શંકાસ્પદ હાલતમાં મળેલી બોડીને રિકવર કરીને પોલીસે આગળની તપાસ હાથ ધરી છે। તાત્કાલિક એમને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી અને આગળ જે કંઈ પણ આવશે એ પ્રમાણે પોલીસ કાર્યવાહી કરશે। અનાજ ભરવાનું જે ટીપણું હોય એમનું કરિયાણાની દુકાન છે, એ દુકાનની અંદરથી મળી છે। હાલ પોલીસ પૂરા મામલે તપાસ ચલાવી રહી છે। આરિફ લાખણીનું મોત કેવી રીતે થયું તે સૌથી મોટો મુદ્દો છે। પરિવાર અને અન્ય કોઈનું એવું માનવું છે કે ટીપડામાં પડી જવાને કારણે મોત થયું છે, પરંતુ તપાસ કરતી પોલીસને આ વાત ગળે નથી ઉતરતી, કારણે વર્ષોથી પોતાની દુકાનમાં કામ કરતા આરિફ લાખણી ટીપડામાં પડી જાય તે શક્ય નથી। આ ઘટનામાં હત્યા પણ હોઈ શકે, આ તપાસ ચાલી રહી છે। પોલીસ તપાસમાં દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થઈ જશે। નીતિન સોની, વીટીવી ન્યૂઝ, ભાવનગર।